सो हाई सो मच, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू राइट यूनिक आर्टिकल। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे हम ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम आर्टिकल में लिखे क्या और कैसे लिखे आर्टिकल को। तो अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हैं तो इस ट्यूटोरियल को देखते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो कि आप एक यूनिक आर्टिकल लिखेंगे और कैसे एक यूनिक आर्टिकल लिखा जा सकता है। मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा, कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा जिसकी मदद से आप आर्टिकल बहुत ही कम समय में लिख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं अपने ब्लॉग में, अगर वो blogger.com पे काम कर रहे हैं या फिर WordPress पे काम कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता होता है कि कहाँ पे क्या लिखना है और कैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, और मैंने काफ़ी सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से जो कि आप आर्टिकल को लिखेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए हैं, कुछ ऐसे टूल्स बताए हैं जिनकी मदद से आर्टिकल लिखा जा सकता है बहुत ही कम समय में, लेकिन उनके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है तो आपको उन सारे टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यूनिक तरीके से लिखना है। यूनिक तरीके से लिखने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूँ। देखिए, सबसे शॉर्टकट ट्रिक्स है आर्टिकल लिखने का, वो है गूगल डॉक। गूगल डॉक की मदद से जितने चाहे उतने आर्टिकल आप लिख सकते हैं, जो कि मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें जो यूनिक तरीके से आर्टिकल लिखने का तरीका है, वो है गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर की मदद से भी आप यूनिक आर्टिकल बना सकते हैं, यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये जो है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल के पहले का तरीका है, लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो जाता है, उसके बाद आपको जो है कि कुछ ऐसे टूल्स के इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे अगर हम बात करें यूनिक टूल्स को परचेस करना पड़ता है, या फिर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे यूनिक टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसकी मदद से आप जो है कि मैक्सिमम आर्टिकल बहुत ही कम समय में आप लिख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि एडवांस ब्लॉगर की हम बात करते थे, और उसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिनके पास 200-300 वेबसाइटें होती हैं, जिनके पास 100 वेबसाइटें होती हैं, 150 वेबसाइटें होती हैं, 200 होती हैं, बहुत सारी वेबसाइटें रखते हैं। अब वो कैसे मैनेज करते हैं आप सोचिए ज़रा। तो मैं आपको बता दूँ, यही सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यही सारे ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, और जिनकी मदद से जो है कि वो ज़्यादा से मैक्सिमम आर्टिकल लिख पाते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आपको फॉलो करना है और उस पर उस टूल को आप परचेस कर सकते हैं जो कि बहुत ही चीप प्राइस में आपको अवेलेबल है। फिलहाल आप उसको परचेस कर लीजिएगा, और आर्टिकल लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। या फिर कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो कीवर्ड रिसर्च करने में भी एचरेप की मदद से आप जो कि रिसर्च कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो कोई फोटो एडिटिंग करना है, कुछ भी करना है, हर एक प्रकार के वहाँ पे टूल्स आपको अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही चीप प्राइस में है, तो उसको आप जो कि चेक कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो अगर आप आर्टिकल लिखना ही चाहते हैं तो एडसेंस अप्रूवल के बाद जो है कि ऑटो आर्टिकल स्पिनर करके एक प्लगइन आती है, अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो ये आपकी आर्टिकल को और भी बेहतरीन तरीके से राइट करके देती है और बहुत ही कम समय में आपको आर्टिकल लिख के दे देती है। तो इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम बात करें वर्डप्रेस पे, क्योंकि वर्डप्रेस पे हम पैसे देते हैं, जब हम पैसे देते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्यों ना यूज़ करें। तो इस तरीके से आप कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी ऐसे कई सारे टूल हैं जिसके बारे में मैं आपको बताते रहता हूं, तो इनमें से किसी भी एक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एडसेंस अप्रूव्ड होने के बाद आप चाहें तो ऑटो स्पिन कर सकते हैं, या फिर जो है कि स्पिन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ भी आप करना चाहें, जो भी तरीका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि स्पिनर का इस्तेमाल करके अगर आप कुछ भी ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं तो उनमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, वो है हमारी आर्टिकल को रैंक कराना, और जल्दी वो आर्टिकल रैंक नहीं होती है। तो अगर आप कुछ प्रीमियम टूल का इस्तेमाल करें तो वो रैंक होती हैं, प्रीमियम टूल वाले जितनी भी आर्टिकल आप लिखते हैं वो रैंक करती हैं। लेकिन जो फ्री में अगर हम बात करें, कहीं से आप जो कि स्पिन करते हैं, किसी स्पिनर का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं अगर हम बात करें आर्टिकल का, वो सारा तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर केसेस में ये जो है कि यहाँ पे रैंक नहीं करते हैं आर्टिकल। बस इतना ही होता है, बाकी जो आर्टिकल है आपकी आती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई इशू नहीं होता है कि एडसेंस डिसेबल होगा, अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि गूगल डॉक का आप इस्तेमाल करें, या फिर जो कि हाथों से लिखे कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। लेकिन मेरे हिसाब से गूगल डॉक वन ऑफ द बेस्ट है, और इसका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, सिंपली आपको उसमें बोलना होता है, जो भी आप लिखना चाहते हैं जिस भी टॉपिक पे, सिंपली आप जो कि बोलते जाएंगे वो लिखते जाएगा, और बहुत इजी तरीके से कम समय में लिख के दे देता है। अगर आपको गूगल डॉक के बारे में नहीं पता तो आने वाले ट्यूटोरियल में हम और भी बात करेंगे। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।